नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए ईएफएम पेपर प्रथम रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के अंतर्गत अंतिम यूनिट 5 में अंतिम चैप्टर राजफेड राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ में अपना अंतिम टॉपिक या अंतिम लेशन का अंतिम टॉपिक राजफेड मार्केटिंग के उद्देश्य या प्रमुख गतिविधियां या राजफेड पर निबंध लिखिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के बाद में अपना ये ग्रामीण विकास एवं सहकारिता चैप्टर में यूनिट संख्या प्रथम से लेकर के फिफ्थ तक हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कोर्स करवाया, जिसमें समय समय पर नोट्स भी उपलब्ध करवाए। इसके बाद में महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, अपने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है अंतिम यूनिट का अंतिम चैप्टर अंतिम टॉपिक राजफेड मार्केटिंग के उद्देश्य एवं प्रमुख इसकी गतिविधियां। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में लगभग सभी राज्यों में शीर्ष विपणन समितियां, जिसे शीर्ष विपणन संघ भी कहते हैं, या ये संस्थाएं कार्यरत हैं। ये संघ राज्य स्तर पर सहकारी विपणन व्यवस्था में समन्वय व संचालन करते हैं। केंद्रीय व प्राथमिक विपणन समितियों के आधार पर ये क्रियान्वित हैं। तो इस प्रकार से यह संघ अपनी सदस्यता या सदस्य विपणन समितियों की कृषि उपज या विपणन या राष्ट्रीय या राज्य निर्यात व्यापार की सहायता से ये प्रदान करते हैं। तो कृषि आदानों, जैसे कृषि बीज है, खाद है आदि उपलब्ध कराने का भी ये कार्य करते हैं, इसलिए इनकी स्थापना की जाती है। अब हम मेन टॉपिक की बात करें कि राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ क्या है। 26 नवंबर 1957 को 26 नवंबर 1957 को राजफेड की स्थापना हुई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, राजस्थान प्रदेश के जो काश्तकार हैं उनके हितों की रक्षा करना, उनके हितों के संरक्षण के लिए राजफेड की स्थापना की गई। तो इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान प्रदेश के जो काश्तकार हैं, राजस्थान प्रदेश के जो काश्तकार हैं, जो काश्तकार हैं उनके हितों की उनके हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से राजफेड की स्थापना की गई। सहकारी विपणन क्षेत्र की हम बात करें तो सहकारी विपणन का क्षेत्र राज्य स्तर पर राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड राजफेड प्राथमिक स्तर पर 247 विपणन सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। 247 जो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ समितियां क्या हैं, सम्मिलित हैं, पंजीकृत हैं। और राजफेड राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों की एक शीर्ष संस्था भी है। क्या है? एक शीर्ष संस्था के रूप में भी ये कार्यरत है या कार्य कर रही है। तो यह तो हो गई इसकी स्थापना की बात, कि राजफेड की स्थापना किस प्रकार से की गई, जो कि मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1957 में इसकी स्थापना की गई। किसके उद्देश्य से? राजस्थान प्रदेश के काश्तकारों के हितों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई। अब हम दूसरे पॉइंट पे आएं, दूसरे पॉइंट की बात करें कि इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। राजफेड के प्रमुख उद्देश्यों में प्रथम उद्देश्य है कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना तथा समय समय पर खाद बीज, कीटनाशक, औषधियां, पशु आहार
आदि उपलब्ध करवाना, दूसरा आवश्यकता अनुसार स्वयं के लिए सदस्यों की समितियां या अन्य सदस्यों की राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं के लिए साझेदारी, कृषि उपज को क्रय विक्रय करना, भंडारण करना और उसकी बिक्री से संबंधित कार्य संपादित करना। तीसरा है सदस्य समितियों को प्रोसेसिंग इकाई लगाने के लिए उनकी सहायता देना, सांझे में इस प्रकार की इकाइयाँ चलाना जिससे उत्पादकों को देश के अन्य भागों में विक्रय करना या विदेशों में निर्यात का प्रबंध करना शामिल किया गया। चौथा उद्देश्य है सदस्य समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पांचवा उद्देश्य है क्रय विक्रय को प्रोत्साहन के लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना और गोष्ठियां निर्माण करना, प्रदर्शनियां आदि का आयोजन करना शामिल है। अब सदस्यता और हिस्सा राशि की बात करें तो राजफेड की कुल सदस्यता संख्या 257 है, 247 है सॉरी, 247 इसके सदस्य हैं जो 31 दिसंबर 2013 तक राजफेड की सापूंजी 1635.11 लाख है, 1635.11 लाख इसकी पूंजी हिस्सा पूंजी है। अब हम चर्चा करें महत्वपूर्ण टॉपिक की कि राजफेड की प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपकी अंतिम यूनिट का अंतिम चैप्टर है तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गतिविधियों में बात करें तो प्रथम गतिविधियों में वाणिज्य केवल समर्थन मूल्य पर खरीद व बिक्री, वाणिज्यिक एवं समर्थन मूल्य पर खरीद व बिक्री की जाती है। वाणिज्य और समर्थन मूल्य पर खरीद व बिक्री की जाती है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2004 व 5 में 3157.53 लाख की कृषि जिन्सों की खरीद की जा चुकी है जिसमें सरसों, कपास, चना, गेहूं और ज्वार इस सब गोल प्रमुख है। इसी प्रकार 2015 व 16 में 36,680 लाख रुपए की मूल्य की कृषि जिन्सों खरीद की जा चुकी है। इसबगोल राज्य के जोधपुर खंड की फसल है क्योंकि राजफेड द्वारा राज्य कर राज्य की किसानों को उचित लाभकारी मूल्य बाजार भावों पर के अनुरूप दिए या उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो ये भी एक अहम है। दूसरा है कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य पर खरीद, कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य पर खरीद से यहाँ पर तात्पर्य ये हुआ कि राजफेड द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम नेफेड के एजेंट के रूप में समर्थन मूल्य गेहूँ, सरसों, चना, सोयाबीन आदि की प्रमुख फसलें का रूप मानी जाती है जो कि 2004 व 5 में एजेंसी के द्वारा राजफेड ने 2,3140.25 लाख रुपए कृषि उत्पादों के रूप में क्रय किया गया जो कि 2009-10 में राजफेड ने 7,674 लाख रुपए मूल्य के कृषि उत्पादों की खरीद की गई, लेकिन 2010-11 में यह राशि केवल 3,246.19 लाख रुपए रह गई जो कि 2015-16 में इसको 34,700 लाख रुपए की मूल्य की वस्तुएं समर्थन मूल्य पर खरीदी भी गई, तो ये भी इसकी गतिविधियों में सम्मिलित है। अगला है बीज, गतिविधियों में भी मूल्य खरीद में बीज सम्मिलित है। बीजों में राजफेड राज्य निगम के साथ समझौता करके गांव-गांव तक एक उन्नत बीज उपलब्ध करवाए गए जिसे 15 और 16 में लगभग 10,000 क्विंटल
बीज का वितरण भी किया गया। जिप्सम की बात करें तो राजस्थान में राज्य के तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई है। तिलहन की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जिप्सम एक विशिष्ट महत्व है। इस प्रकार 2004-05 में 17,740 मैट्रिक टन जिप्सम का भी विक्रय किया जा चुका है, जो कि 2015-16 में 50,000 मौद्रिक टन जिप्सम का विक्रय भी हो चुका है। अगला है कीटनाशक दवाइयां व पशु आहार का उत्पादन एवं बिक्री। एक तो सदस्य समितियां, तीसरा था सदस्य समितियों को उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता के उर्वरक उपलब्ध करवाना, तीसरा है कीटनाशक दवाइयां, कीटनाशक दवाइयां या पशु आहार की उचित उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। किस प्रकार से कीटनाशक दवाइयां राजफेड द्वारा अपनी स्वयं की इकाइयों में निर्मित कीटनाशक दवाइयां पशु आहार का उत्पादन का विक्रय किया गया है। इसमें 2005-06 में कीटनाशक दवा फैक्ट्री द्वारा 1,586 मैट्रिक टन एवं 38,751 लीटर तरल दवाइयों द्वारा विक्रय किया गया है। वर्ष 2001 में 800,000 कंप्यूटर उपकरण लगाए जाकर प्रयोगशाला आधुनिकरण किया भी गया है। तो इस प्रकार पशु आहार की हम बात करें तो वित्तीय वर्ष में 2005-06 में 13,377 मिलियन पशु आहार के लिए भी एक उत्पादन किया गया है। एक जयपुर शहर में उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था करवाई गई है। जयपुर शहर में एलपीजी गैस की सुविधाओं में तो हम बात करें तो राजफेड द्वारा जयपुर शहर के उत्पादकों के लिए घरेलू गैस वितरण भी किया जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2005-06 में 131,005 सिलेंडरों का वितरण किया गया है, जो आईओसी द्वारा वीके गैस एजेंसी ने 500 उपभोक्ता के घरेलू एजेंसियों की आपूर्ति कार्य भी स्थायी रूप से राजफेड द्वारा ही आवंटित किया गया है। तो गैस आपूर्ति कार्य भी कंप्यूटरीकृत द्वारा किया जा रहा है, जो कि 2015-16 में लगभग 7.50 करोड़ रुपए के मूल्य का 165,100 एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री भी की गई है। ये भी राजफेड के द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया गया है। अगला है शीतागार व आइस प्लांट। शीतागार आइस प्लांट में जयपुर शहर में राजफेड के पास लगभग 20,000 बोरो भंडारों की क्षमता के लिए शीतागार 10 मिलियन टन प्रति क्षमता आइस प्लांट है, जिसमें 2001 से 5 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया है। एक कमजोर क्रय विक्रय सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देना। कमजोर जो क्रय विक्रय सहकारी समितियों की आर्थिक सहायता में राजफेड के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर है, 78 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में लगभग 144.50 लाख रियायती ब्याज दरों पर व्यापार वृद्धि हेतु एक रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि ऐसी समितियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर व्यवसाय कर सकें और हानि उभर कर लाभ कमा सके। तो फरवरी 2001 तक 118.80 लाख रुपए इन समितियों में वसूल किए गए हैं, जो कि 25.70 लाख रुपए की समितियों अभी बकाया है। संजीवनी योजनाओं की बात करें तो 113 कमजोर समितियों के रूप में भी ये लगभग हम बात करें संजीवनी 2,13,00,000 की रियायतें की भी सहायता दी गई है। अगला सीजिंग व प्रोसेसिंग इकाइयों में भी जो वर्ग उपलब्ध करवाया गया है। किस प्रकार से जो वर्ग उपलब्ध करवाया गया है, राजफेड द्वारा सहकारी क्षेत्र में स्थापित जिंगिंग व प्रोसेसिंग इकाइयों को पूर्ण क्षमता उपयोग हेतु 16,057 गांठों राशि का
1,831.47 लाख रुपये की कपास खरीद करके 9.16 लाख का कमीशन व 57.17 लाख जो ओवर की राशि का भी भुगतान किया गया। अब राजफेड की बिक्री व लाभांश की हम बात करें तो राजफेड की बिक्री गत 3 वर्षों में राजफेड की उत्पादक एक उत्साहजनक रही है, क्योंकि वर्ष 2009-10 में यहाँ की बिक्री को 514.6 करोड़ थी, जो कि 10-11 में बढ़कर के 557.4 हो गई। इसी प्रकार राजफेड ने लगभग 10% की दर से भी लाभांश वितरित किया गया है। तो इस प्रकार इसकी भावी योजनाओं भी इस प्रकार से क्रियान्वित की गई है, क्योंकि इनके कारोबार की बढ़ाने के लिए नीति को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम हानि उठाकर के नई गतिविधियों के कदम उठाए गए हैं, जिसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के भावों जो भावों में बढ़ता खानों के मसालों और कपास का निर्यात करना, कीटनाशक दवा फैक्ट्री, नए उत्पाद लाइसेंस प्राप्त करना, उनका उत्पादन करना, उनका विपणन करना और कुछ स्थानों पर तो गैस एजेंसी लेना, जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गैस जो बुकिंग है उनकी वितरण हेतु विस्तार एवं पटल योजना IOC के माध्यम से अनुबंध करना और भारतीय तेल निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग व जयपुर शहर के नज़दीक 30 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस पहुंचाने हेतु प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके अंतर्गत राजफेड द्वारा चौमू, अचरोल, सांगानेर, बस्सी नज़दीकी गांवों में भी वितरण केंद्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो इस प्रकार हमने आज यूनिट संख्या 5 में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड की प्रमुख गतिविधियों के बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की। ये आपके एग्ज़ाम में निबंध के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से अपना BCOM पार्ट 3 का संपूर्ण सिलेबस हो चुका है। अब इनका हम पुनः रिविज़न करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के। तो आप जितने भी वीडियो हैं उनको आप घर पे देखिए और उनके नोट्स को भी आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्दी शीघ्र आने वाली हैं, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।